हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमकैड इंजीनियर। स्वागत है आपका अपने चैनल एमकैड इंजीनियर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे माइटर बैंड या फिर फैब्रिकेटेड बैंड को कैसे बनाते हैं। आपके सामने जो दिख रहा है ये माइटर बैंड या फिर फैब्रिकेटेड बैंड, इसको बोल सकते हैं 90 डिग्री का बैंड है जिसे हमने प्लेट के डेवलपमेंट से बनाया है। जनरली माइटर बैंड को हम पाइप में कट करते हैं। 350 NB तक हम माइटर बैंड को पाइप में बनाते हैं। उसके ऊपर के 400-500 के ऊपर सारे बैंड हम पाइप में प्लेट का डेवलपमेंट करके उसको रोल करके बेंडिंग मशीन में रोल करके पीसेस बनाते हैं और फिर एक के ऊपर एक रख के उसको वेल्ड करते हैं। ये 90 डिग्री बैंड में हमने 15 डिग्री के हमने सेक्टर बनाए हैं और दो हमने 7.5 के सेक्टर बनाए हैं जिससे ये माइटर बैंड बना है। अभी आप सामने नीचे देख सकते हैं ये 7.5 का सेक्टर है, उसका डेवलपमेंट ये है। ये डेवलपमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद ये 15 डिग्री के हैं, ये ऊपर वाला जो है डेवलपमेंट, ये 15 डिग्री सेक्टर का डेवलपमेंट हमने बनाया है। और बाजू में जो है ये फ्लैंज है। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोकैड में, ये डेवलपमेंट का ड्रॉ कैसे करते हैं, ये माइटर बैंड को ड्रॉ कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, ये हम इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे। ये हमारा रेडियस है बैंड का 1050 और ये जो हमारा माइटर बैंड है उसका ओडी है 700। इसका रेडियस कैसे निकालते हैं ये आपके सामने फार्मूला दिख रहा है, 1.5 इंटू डायर ऑफ द बैंड, ये निकला हमारा रेडियस 1050। ये हमने बैंड 1.5D का लिया है, उस तरह से हम 1D का भी ले सकते हैं और 2D का भी ले सकते हैं। बैंड में जितने ज़्यादा सेक्टर्स रहेंगे उतना बैंड स्मूथ बनता है। चलो ये बैंड को ड्रॉ कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सर्कल कमांड लेंगे। सर्कल कमांड लेने के बाद एक बेस पॉइंट देंगे और यहाँ पर डायमीटर आता है, हम रेडियस का आर टाइप करेंगे और रेडियस डालेंगे 1050 जो कि हमारी माइटर बैंड की रेडियस है। ये सर्कल बन जाता है, मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। 1050 सही बना है हमारा ये। अभी हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे जो सेंटर पॉइंट से होते हुए वर्टिकल ड्रॉ करेंगे और एक सेंटर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे। ट्रिम कमांड लेके राइट क्लिक करके मैं उसको ट्रिम कर देता हूँ। ये पार्ट का हमें काम नहीं, इसे डिलीट कर देते हैं। मैं अभी मैच प्रॉपर्टी कमांड लेता हूँ, आप MA टाइप करके भी ले सकते हैं। ये मैच प्रॉपर्टी मैं इसके साथ कर देता हूँ, यानी ये लाइन उसके जैसी बन जाती है। अभी हम फिर से एक लाइन लेंगे, ये सेंटर पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। ऑफसेट लेते हैं हम 700 का, यानी 350 का लेंगे, इधर 350 इधर 350 700 हो गया। फिर से ऑफसेट मारूंगा मैं 5 mm का जो थिकनेस है हमारा बैंड का, और ये लाइन को मैं मैच प्रॉपर्टी करूंगा फिर से और इसको भी सेंटर लाइन जैसा बनाऊंगा। अब ये लाइन को हमें रोटेट करना है, ये लाइन भी रखना है और इसको रोटेट भी करना है। तो हम लेंगे रोटेट कमांड, लाइन सिलेक्ट करने के राइट क्लिक करेंगे, बेस पॉइंट देंगे ओरिजिन और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे, नहीं तो ये लाइन ही रोटेट हो जाएगा। अब ये लाइन भी रहेगा और दूसरी लाइन भी बनेगी। अब मुझे 7.5 का बनाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, इसलिए मैं टाइप करूँगा -7.5। ये बन गया पहला सेक्टर। फिर से हम रोटेट कमांड लेंगे, बेस कमांड लेंगे, बेस पॉइंट देंगे, कॉपी करेंगे। अभी मेरे को फिर से रोटेट करना है इसको -15 पे, दूसरा सेक्टर बनाना है। इस तरह के हमें 5 सेक्टर बनाने हैं। तो ये करने का सिंपल सा तरीका है, रोटेट कमांड लेंगे हम, रोटेट कमांड लेंगे, बेस पॉइंट देंगे ये वाला, उसके बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे और -15 टाइप करें। अगर हमने कॉपी नहीं किया तो वो खुद लाइन रोटेट हो जाती है, वहाँ से हिल जाती है। हम मिरर करके भी कर सकते हैं। लाइन को सिलेक्ट करना है और मिरर कमांड लेके 2 पॉइंट देना है ये इंक्लाइन लाइन पे, देख रहे हैं आप। इस तरह से मिरर भी हम कर सकते हैं। अभी हम क्रॉस चेक करेंगे सब डिग्री बराबर है या नहीं। ये हो गया हमारा 7.5, ये हो गया 15 डिग्री का पहला सेक्टर, ये हो गया दूसरा 15 डिग्री का सेक्टर, थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और लास्ट हमारा हो गया 7.5 डिग्री का। तो हमने सेक्टर बराबर कर लिए। अब इस लाइन का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, हमें इजीली समझ में आ जाए। मैं इसको येलो कर देता हूँ।
अब मैं क्या करता हूँ, ट्रिम कमांड लेके एक्सेस लाइन को ट्रिम कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं दोनों लाइन को सिलेक्ट कर देता हूँ और मिरर कमांड लेता हूँ और ये इंक्लाइन लाइन पे एक और दूसरा पॉइंट देता हूँ और एक्सटेंड लेके यहाँ तक ये दोनों लाइन को एक्सटेंड कर देता हूँ। अब मैं फिर से इनको सिलेक्ट करता हूँ, मिरर कमांड लेता हूँ, ये इंक्लाइन पे दो पॉइंट लेके को मिरर कर देता हूँ। ये लाइन के रेफरेंस से मैं इसको मिरर कर देता हूँ। इस तरह से हमारा बेंड का ये सेक्टर रोटेट होता जाएगा और ये बेंड ऑटोमेटिक बनते चले जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, इसमें इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ये इंक्लाइन लाइन पे दो पॉइंट देके इसको मिरर कर देना है। इस तरह से हमारा बेंड बनते चला जाता है। सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। मिरर कमांड का यूज़ इस तरह से भी होता है करके। अभी जो लाइन बाहर निकली उसको हम ट्रिम कर देंगे, राइट क्लिक इसको ट्रिम कर दें। ये हमने इसका प्रोफाइल बना लिया, इनर का भी और आउटर का भी। मैं ट्रिम कमांड लेता हूँ और इसके साथ एक्सेस जो बाहर के लाइन है इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ और ऊपर का सब डिलीट कर देता हूँ इरेज कमांड से। इसको भी मैं ट्रिम कर देता हूँ। अब इनर साइड में मैं एक साथ ही सारी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने ट्रिम कमांड ली है। उसके बाद ये लाइन के साथ हमें ट्रिम करना है, राइट क्लिक इनको। इस तरह से हम ट्रिम कमांड से इसको क्लीन कर सकते हैं। मैच प्रॉपर्टी लेता हूँ मैं और इनको येलो कलर कर देता हूँ जिससे हमारी विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। अभी हमें फ्लैंज बनानी है। तो फ्लैंज हम कैसे बनाएंगे? हमारे फ्लैंज है 75x12 थिक। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सिंपल यहाँ से और ये लाइन को दूसरे वाली लाइन को डिलीट कर देता हूँ मैं, जो हमें क्लियरली दिखे। इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड कर देता हूँ 76। मैंने क्यों किया यह, जिस साइड से भी 76 करूँगा ये क्यों लगा आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब मैं ऑफसेट करता हूँ 12 mm का, क्योंकि हमारे फ्लैंज की थिकनेस है 12 mm। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक और जो हमने जो लाइन ड्रॉ की थी इसके नीचे वाली उसको इरेज कर देता हूँ। अब एक छोटे से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और उसको मैं मूव कर देता हूँ 75। हमारी फ्लैंज 75 की है, एक मैंने क्लियरेंस छोड़ा इसलिए मैंने उसको 76 लिया था। अब ये लाइन को मुझे उधर भी ड्रॉ करना है, तो मैं ड्रॉ करने के लिए सिंपल इसको सिलेक्ट करूँगा और मिरर करूँगा ये सेंटर पॉइंट से, तो ये लाइन उधर भी बन जाएगी। अभी फ्लैंज को इधर भी बनाना है, फिर से ये प्रोसेस रिपीट करने से अच्छा है मैं फ्लैंज को सिलेक्ट करूँगा और सिंपल मिरर कमांड लेके ये बेंड का जो सेंटर लाइन है, पहले फ्लैंज को सिलेक्ट करूँगा, बेंड का जो सेंटर पॉइंट है उसको एक सिलेक्ट करूँगा और ये ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा दूसरा पॉइंट मिरर का, तो ऑटोमेटिक मेरी इधर की फ्लैंज उधर मिरर हो जाती है। इस तरह से मिरर का कमांड का यहाँ पे मैं नो करूँगा, तो इस तरह से मिरर कमांड का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने बेंड को ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से मैं आपको इसके डायमेंशन देके दिखाता हूँ। बहुत से लोगों को ये बेंड कैसा बनाना चाहिए डक्टिंग में यूज़ करने के लिए वो नहीं पता होता है, उन्हें अभी इससे हेल्प हो जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो लाइक अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। अभी हर सेक्टर का हम रेडियस हो गया हमारा 1050 और ये हो गया हमारा ओडी ऑफ द बेंड 700। ओडी है, आईडी नहीं है, ओडी दिया है हमको। और ये हो गए हमारे इंडिविजुअल सेक्टर्स। पहला सेक्टर इधर का है 7.5, सेकंड है हमारा 15, बाकी सारी है इधर की 15 है और उधर का लास्ट एक 7.5 है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि माइटर बैंड हम ऑटोकैड में ड्रॉ कैसे करते हैं। सिंपल टेक्निक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको ये वीडियो एक बार देखना है, बाद में और कोई वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से सिंपली हम बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ये जो सेक्टर हमने ड्रॉ किए 15 और 7.5 डिग्री के, उसका डेवलपमेंट और फ्लैंज कैसे बनाते मैं आने वाली वीडियो में बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।